तो ये है हाजीपीर की दरगाह। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज हैं ट्रेवलिंग, तो हम सब जा रहे हैं कच्छ गुजरात, बस अब रवाना होने वाले हैं। तो गाइस, यहाँ पर भरा जा रहा है डीजल, गाड़ी में डीजल कम था तो फुल टंकी करवा रहे हैं। 3300 के कोई आस पास आ गया, 3400। तो 5000 का डीजल आया, पहले कुछ डीजल था तो, वरना तो 65 लीटर की टंकी है, 6000 के आसपास डीजल होता है, तो अभी आया है 5000 का डीजल। तो अल्हम्दुलिल्लाह हाजी पीर की दरगाह पर पहुंच चुके हैं। सामने रही दरगाह हाजी पीर की, माशाल्लाह। अब जाते हैं दरगाह के अंदर, जियारत करके आते हैं। भाई लोग पीछे खड़े हैं, गाड़ी वहाँ आ रहे हैं। तो ये है हाजी पीर की दरगाह, इनसाइड का व्यू दरगाह का, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह दरगाह शरीफ में हाजिरी दे दिए, अब आए बाहर। ये है बाहर का व्यू, मेन एंट्रेंस, जो मेन गेट है हाजी पीर का। ये आसपास जो यहाँ पर रहते हैं उनके घर हैं, सामने दरगाह शरीफ। तो गाइस, दरगाह के जस्ट पास में ये छोटा सा समुंदर है, सामने है मस्जिद और इस साइड है दरगाह। ये सड़क जा रही है दरगाह की तरफ, ये सामने जा रही है मस्जिद की तरफ। तो गाइस, अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं, दरगाह जियारत कर ली। कुछ दिन से बीमार चल रहे हैं तो खांसी ज्यादा हो रही है। ठीक हो, तबीयत सही है? अभी कहाँ पे है हम? हाजी पीर कहाँ पे आया हुआ है? कच्छ, कच्छ गुजरात, कच्छ गुजरात। तो गाइस, अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं। हाजी पीर से होके अब जा रहे हैं मुंद्रा गुजरात, वहाँ पर भी एक दरगाह है, तो वहाँ पर भी जियारत करनी है। तो अभी रास्ते में रुके थे, भूख लगी थी तो नाश्ते के लिए रुके थे, कच्छ की फेमस दाबेली खा रहे थे। दाबेली बन रही है, खाते हैं और एंजॉय करते हैं, फिर जाते हैं दरगाह। सफ़र करने के बाद भाई का मन था चाय पीने का, तो चाय पी रहे हैं, रजवाड़ी चाय यहाँ की स्पेशल, तो वो पी रहे हैं। हम देखते हैं, चाय तो हमें, चाय पीने का मन तो नहीं है, कोल्ड ड्रिंक देखते हैं पिएंगे नहीं तो रवान हो जाए। अभी है राजनपुर गुजरात, खाना खा लिया था तो बर्फ़ गोला खाने का मन हुआ, तो मैं और भाई दोनों बर्फ़ गोला खाने आ चुके हैं यहाँ पर। पिछली बार हम भाई सब आए थे वहीं पर हैं, तो अब बर्फ़ गोला खा के भाई थोड़ा साइड में है, तो फिर बर्फ़ गोला खा के फिर रवाना होते हैं। अभी टाइम हो गया है, घर पे भी जाते हैं, घर गांव में शादी की तैयारी कैसे चल रही है, पड़ोस में शादी है वो भी तैयार देख रही है, तो अभी खाते हैं। तो गाइस, कल रात को 12 बजे आ गए थे घर पर, काफ़ी थकान थी तो सो गए थे। अभी आए थे गांव में, गांव में है शादी, हमारे गांव में है उनके यहाँ पर शादी है। सामने आपको जो घर दिख रहा है उनके यहाँ पर शादी का प्रोग्राम है, तो गांव में शादी की तैयारी कर रही। गांव के अंदर जो हमारे क्रिकेट ग्राउंड, तो यहाँ पर सब जो भी फालतू के पेड़ थे वो गए थे, उसको निकाल कर पूरा मैदान को क्लीन कर दिया है। बड़े बुजुर्ग बच्चे सभी मैदान के
जायजा लेने आप पहुंचे कि मैदान में कैसा काम चल रहा है। 10-15 दिनों में शादी है तो उसकी पूरी तैयारी आप देख सकते हो। आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं आपको नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।